हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लेकर आई हूँ वेज थाली की रेसिपी। और इसे आप 4 मेंबर्स के लिए बना सकते हैं। जो मैंने इसमें मेजरमेंट बताया है उसके हिसाब से। और इसमें मैंने बनाया है जीरा राइस, मसाला चना दाल और पनीर की झटपट बनने वाली सब्जी जो बहुत चटपटी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम दाल को भिगो के रखेंगे। तो चना दाल आप ले लें 1 कप, और उसमें 2 चम्मच कम कर दें, 2 चम्मच आप यहाँ डालें तुअर की दाल, और इसे वॉश करके भिगो दें। तुअर की दाल डालने से चना दाल में क्या होता है कि उसमें एक बाइंडिंग आती है, क्योंकि चना दाल होता है बहुत रूखा होता है, वो बाइंडिंग नहीं होती है, अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए आप थोड़ा सा तुअर दाल जरूर डालें। भिगोने के बाद इसे वॉश कर लें और इसे हम अब प्रेशर कुक करेंगे। अब इसमें 2.5 कप पानी डालकर पकाएंगे। यहाँ पर दाल भीगी हुई है तो 2.5 कप पानी क्या है, आपने दाल नहीं भिगोया है तो पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लें। नमक डाल लें स्वाद के अनुसार, हल्दी थोड़ी सी डालें। अब इसे हम 3 से 4 विजल आने तक कुक करेंगे। चना दाल थोड़ा टाइम लेता है कुक होने में, और चना दाल बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस इतना करना है कि ये पक जाए और ये फट जाना चाहिए। और जब हम इसमें तुअर डाल देते हैं वो अच्छी तरह से पक जाता है, गल जाता है, तो एक अच्छा सा बाइंड देता है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। तो 2-3 चम्मच तेल आप गरम कर लें, इसमें डालें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा तेज़पत्ता और काली वाली इलायची, बड़ी इलायची जो होती है, थोड़ा सा कूट कर डालें और इन्हें तड़कने दें पूरा। जब ये लाल हो जाए तो इसमें लहसुन 4-5 कलियां लंबाई में काट कर डालें या बारीक काट कर, जैसा आप चाहें, और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़े से अदरक बारीक काट कर डालें और 1 प्याज बारीक काट कर, इन्हें हम अब इसमें पकाएंगे। प्याज जब लाइट ब्राउन कलर में हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा डालें, यानी आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा ना डालें तो कड़वा बनाएगा, और ऑलरेडी हमने काट कर डाला हुआ है अदरक और लहसुन। इसे अच्छी तरह से फ्राई करें, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, ऐसा ही कलर आना चाहिए तो अच्छा सा फ्लेवर आता है हमारे दाल में। अब टमाटर डालें, 4 मीडियम टमाटर हैं बारीक काट कर, इन्हें डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टमाटर इसमें ज़्यादा रहता है, खट्टापन अच्छा लगता है। नमक डाल लें टमाटर गलने के लिए और मसाले के हिसाब से, क्योंकि हमने दाल में तो ऑलरेडी नमक डाल के रखा हुआ है। फिर इसे हम ढककर पकाएंगे टमाटर गलने तक। और ढककर टमाटर पकाने का फायदा होता है कि जल्दी से गल जाता है। ये देखिए अब हम पलटे से ही इसे मैश कर देंगे थोड़ा, और इसके बाद इसमें थोड़े मसाले डाल लें, हल्का सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर अपने स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालें। इसमें ज़्यादा मसाला ना डालें क्योंकि ज़्यादा मसाला डालने से दाल में कड़वापन आता है, तो बिल्कुल हल्का हल्का डालें। और थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाला हमें भूनना है तो मसाला जलना नहीं चाहिए, और पानी जब डालेंगे तो मसाला भून जाएगा और जलेगा भी नहीं। ढक कर मसाले को भुनें, क्योंकि अगर खुला भुनेंगे तो इसका जो एरोमा होता है वो निकल जाएगा, तो इसलिए हमेशा मसाले को ढककर भुनना चाहिए और बीच बीच में चलाते रहे जब तक मसाला हमारा पक ना जाए, नहीं तो ये बॉटम में पकड़ लेगा। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल लें, और इसके बाद थोड़ा सा दाल हम पैन में डालेंगे, क्योंकि पैन हमारा छोटा है तो सारा दाल इसमें नहीं आएगा, तो थोड़ा सा दाल डालकर हम पहले मसाले को मिला लेंगे। इसके बाद इसे हम बचे हुए दाल में मिला देंगे। और जब आपका कढ़ाई बड़ा है जिसमें आप मसाला बनाएं तो दाल को उसी में मिला सकते हैं एक साथ। अब ये दाल हमारा थोड़ा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। वैसे दाल गाढ़ी आपको पसंद है तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा पतला चाहते हैं तो पानी इसमें गर्म करके डालें, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। चना दाल को आप रोटी से खाना चाहते हैं तो इसे थिक रखें, अगर राइस के साथ सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा पतला कर लें। अब इसमें जो साबुत मसाले हैं उसे निकाल लें, क्योंकि सर्व करते वक्त अच्छी नहीं लगती हैं। अब इसमें हम ऊपर से तड़का लगाएंगे जिससे इसमें ढाबे जैसा फ्लेवर आएगा। तो तड़का पैन में देसी घी डालें, गरम करें, और उसमें जीरा डालें, सूखी मिर्ची डालें, लेकिन इसके बीज निकाल कर डालें, बीज नहीं रहना चाहिए। अब इन्हें हम ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग डालें और गैस को तुरंत बंद करके मिर्ची पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है दाल में। इसके बाद तुरंत दाल में इसे डाल दें तड़के को, और जब तड़का डालें तो ढक कर डालें जिससे इसका फ्लेवर तड़के का बाहर नहीं आएगा। दाल आपका तैयार है। अब हम बनाएंगे जीरा राइस। जीरा राइस के लिए 2 कप बासमती चावल लें, इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लें, और इसको पानी निकाल कर एक तरफ रख लेंगे।
अब जिस भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें देसी घी डालना है 2 बड़े चम्मच, और जीरा डालना है 1 छोटा चम्मच, क्योंकि जीरा इसमें ज़्यादा जाएगा, जीरा राइस है तो फ्लेवर अच्छा आना चाहिए। 2 छोटी इलायची, दालचीनी थोड़ा सा, तेज पत्ता और हरी इलायची, इसको स्लिट करके डालें। अब इन्हें फ्राई करें इस तड़के को। जब ये लाल हो जाए तब इसमें हम पानी डालेंगे। 3 कप पानी जाएगा 2 कप चावल में, और जब आप पानी डालें ना तो उसे ढक दें ताकि तड़के का एरोमा बाहर ना आए। पानी में उबाल आने दें, जब पानी में उबाल आ जाएगा तो चावल को हम इसमें डालेंगे और एक बार चला लेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसमें डालें नमक और लेमन जूस, 1 छोटा चम्मच डालें। लेमन जूस डालने से चावल खिला खिला बनता है, बिल्कुल व्हाइट बनता है। अब इसमें हम उबाल आने देंगे तो इसे ढककर उबलने दें, और जब इसमें उबाल आ जाए तो 2-3 उबाल इसमें आने दें। इसके बाद इसे हम ढककर 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, और आखिरी बार एक बार और हिला लें चावल को। इसके बाद नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अभी हमारे चावल पक चुके हैं, ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल दाने एकदम नहीं टूटा हुआ है। और अब इसे आप चेक भी कर सकते हैं चावल पके हैं या नहीं। अगर नहीं पके हैं तो थोड़ी देर और रख सकते हैं। वैसे ये चावल हमारा परफेक्ट रेडी है, और आप देख रहे हैं कितना खिला खिला बना है, एक एक दाना अलग अलग है। अब इसे एक तरफ रखें, दूसरी तरफ पैन गरम करें या कढ़ाई, उसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालें और 1 बड़ा चम्मच बटर। तेल मैंने इसलिए डाला है ताकि बटर जले ना, और इसे हम पूरे पैन में फैला लेंगे, एक अच्छा सा कोट हो जाता है इसमें। इसमें थोड़ा सा 2-3 चुटकी हल्दी डालें और थोड़ा सा नमक डालें, बटर में भी नमक है तो नमक थोड़ा ही डालें। अब इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे, तो पनीर को लंबाई में काटा हुआ है मैंने इस तरह से, और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर हम बटर में ही, मतलब तेल में ही हम हल्दी और नमक डाल लेते हैं तो ये पैन में चिपकता नहीं है पनीर, और कलर भी काफ़ी अच्छा जाता है। तो पलट कर इसे हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा ना चला नहीं तो ये टूट जाएगा। अब इसे हम सेपरेट कर लेंगे अलग प्लेट में। सेम पैन में थोड़ा सा बटर और डालें, और इसमें हम कुछ सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो इसमें मैंने थोड़े से गाजर मेरे पास थे तो इसे लंबाई में पतले पतले काट कर फ्राई करेंगे। गाजर थोड़ा सा हार्ड होता है, पकने में टाइम लेता है, इसलिए सबसे पहले इसे डालें, थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज मोटा मोटा काट कर, कैप्सिकम मोटा मोटा काट कर डाल लें। सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये थोड़ा कच्चा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमक डाल लें थोड़ा सा, और इसे थोड़ा और हम पका लेंगे। इसमें मैंने आधा टमाटर काट के डाला है, और इसे आप तब डालें जब सब्जियां थोड़ी कुक हो जाए, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैंने टमाटर डाला है मोटा मोटा काट कर, और इसे भी फ्राई कर रही मैं, और आपको पसंद है तभी डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। जब सब्जियां फ्राई हो जाए तो इसे एक अलग से प्लेट में निकाल लें। फिर से सेम पैन में थोड़ा सा तेल डालें 2 बड़े चम्मच, और इसमें जीरा डालें तड़के के लिए, और थोड़ा सा बारीक लहसुन कटा हुआ, आपको पसंद है लहसुन तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लहसुन का फ्लेवर नहीं पसंद आता है। लहसुन को आप डाल लें तो इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ, और 1 छोटा सा प्याज बारीक काट कर इसमें डालें, और इन्हें फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जब इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा डालें, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी अदरक और लहसुन बारीक काट कर डाला हुआ है, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम इसे फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें 1 छोटा सा टमाटर पीस कर डालें। यहाँ टमाटर पीस के डालने से इसमें जो मसाले बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि हम सूखा सब्जी बना रहे हैं तो सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से लिपट जाता है। जब टमाटर डालें तो तुरंत नमक भी डाल दें, और टमाटर को सबसे पहले हम पकाएंगे, इसे ढक कर पकाएं। और ये देखिए टमाटर पक गया है, तो तेल अलग हो गया है और कलर भी कितना सुंदर सा आया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और जैसा आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्ची पाउडर आप ऐड करें।
और अब इन मसालों को हम पकाएंगे। जब भी हम मसाला पकाएं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जरूर से पकाएं। मैं हमेशा ऐसे ही बताती हूँ, तो ऐसा जरूर से करें क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए। मसाले जलने के बाद क्या होता है ना, सब्जियों का टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और मसाले जब भी पकाएं ढक कर पकाएं। अभी हमारे मसाले पक चुके हैं, आप देख रहे हैं तेल अलग हो गया है। तो अब हम यहाँ पर हमारे फ्राई किए हुए जो सब्जियां हैं ना उन्हें हम डालेंगे और जो पनीर है उन्हें भी डालेंगे। अब हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है और ये इतनी जल्दी सब्जी बनती है और ये इतनी टेस्टी होती है ना, सच में बता रही हूँ। आप इसको आप जरूर से बनाएं अपने घर पर, और इस सब्जी को आप नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालें, 2 बड़े चम्मच, ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से लिपट जाए सब्जियों में और इन्हें मिला लें। और बस तैयार हो गई हमारी चटपटा पनीर, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखा आपने, बहुत ही जल्दी ये तैयार होने वाली वेज थाली है। वेज थाली में कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ चावल है, दाल है और एक सब्जी है, और बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो ज़रूर से आप अपने घर पर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आता है इसे ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।